हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, जिंदगी बदल जाएगी। क्यों जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और क्यों आएगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। और ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे पूरा बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बीच में समझने वाले हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि 12 जुलाई को मंगल का परिवर्तन हो चुका है, परंतु ये मंगल का परिवर्तन पूर्ण रूप से जब फल देने की बात आती है तो कई बार क्या होता है, जब आप सुनते हैं बहुत सारी वीडियो और फिर लगता है कि वैसा तो हो नहीं रहा जैसा हमने सुना था, और आए दिन बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं कि ये बताया गया कि ऐसा हुआ, फिर कोई दूसरा ग्रह बदला तो फिर बताया गया कि ऐसा हुआ, फिर कोई तीसरा ग्रह बदला तो फिर हमने वीडियो देखा उसमें बताया गया ऐसा हुआ, परंतु कई बार वो घटनाएं नहीं घटती जो हम सुनते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है ये भी हम समझेंगे। और अभी कौन सी 26 जुलाई से कौन सी विशेष स्थिति बनने जा रही है ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का परिवर्तन 12 जुलाई को वृषभ राशि शुक्र की राशि में हुआ था और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 26 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन बड़ा विशेष है। क्यों विशेष है ये हम जानेंगे। तो 26 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, परंतु देव गुरु बृहस्पति जिनके साथ युति है मंगल की, तो वो इस समय चतुर्थ चरण में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल भी रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में गोचर करेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण डेट होगी, जो डेट है उनको ध्यान में रखिएगा। 10 से 15 तारीख के बीच में जो बृहस्पति और मंगल के युति से औरर नामक योग बना है तो उसका पूरा फल आपको मिल सकेगा। साथ में और भी एक महत्वपूर्ण डेट है, वो डेट है 29, 30 और 31। 29 तारीख की रात्रि यानी 10:15 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे कहाँ पर, वृषभ राशि, मंगल और देव गुरु बृहस्पति के साथ युति होगी, जिससे बड़े ही दिव्य योग बनने वाले हैं। एक तो लक्ष्मी योग बन जाएगा और साथ में बृहस्पति और चंद्रमा भी होंगे, तो इसलिए गजकेसरी योग और त्रिग्रही योग भी बन जाएगा और उदर योग नामक योग बना ही हुआ है। तो कहना चाहिए कि चार चार योग बनेंगे, और क्योंकि जानते हैं आप कि चंद्रमा 2 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं, इसलिए ये 29 तारीख की रात्रि से होगा और 30-31, तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब इनका प्रभाव क्या आपको मिलने वाला है ये समझना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल महाराज आपके कर्म के अधिपति हैं, आपके साहस के अधिपति हैं और आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति की स्थिति भी देखी जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके आय के और धन के अधिपति हैं। यहां पर प्रिय दर्शकों, आपके जॉब में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं इस समय, यानी कि यदि आप, सबसे पहली स्थिति क्या है कि आपके पास जॉब नहीं है, यदि किसी भी कारण की वजह से इस समय जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं पहले से तो जॉब में यदि आप चाहते हैं कोई परिवर्तन हो, प्रमोशन हो या सैलरी बढ़ जाए, किसी भी तरह का आप परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय कोई ना कोई परिवर्तन आपके करियर में अवश्य होने वाला है और ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि आपको जरूरत है बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि इस समय क्या होने वाला है कि आपको जॉब में बहुत अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, परंतु यहाँ पर साहस जो आपका है, आपका जो जोश है कहा जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि जोश हो तभी हम काम कर सकेंगे, परंतु कई बार ज़्यादा जोश अधिक उतावलापन हमें कई बार मुश्किलों में डाल देता है। तो इस समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, सोच समझ के करना है। भाई बंधुओं के साथ यदि कोई समस्याएं थी वो दूर होंगी,
खेलकूद के क्षेत्र में यदि आप भाग ले रहे हैं, खेलकूद के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। कहीं कंपटीशन है वहाँ पर विजय प्राप्त हो सकती है, परंतु आपको यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में बाद ज्ञान धनमन की स्थिति बन सकती है और व्यापारियों के लिए ये समय लाभदायक है, धन लाभ देने वाला होगा। व्यापारियों के लिए काफी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। तो व्यापारी पूरी तरह से कोशिश करें और खासकर जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत विशेष समय रहने वाला है। और यदि आय को लेके आप परेशान थे, धन को लेके परेशान थे, तो इस समय धन आगमन हो सकता है और साथ में आपकी कई सारी स्थितियां जो कहीं ना कहीं पहले से समस्याएं चल रही हैं उनमें अब सुधार हो सकता है। देखा जाए तो यह मंगल का परिवर्तन कई तरह की समस्याओं से बाहर निकालने वाला रहने वाला है, परंतु कुछ सावधानियां जो मैंने बताई तो उन क्षेत्रों में आपको सावधानियां भी अवश्य रखनी चाहिए। अब एक बात हमने जैसे पहले कही कि जब आप कई सारी वीडियो देखते हैं, जैसे अभी आपने सुना मंगल का परिवर्तन, तो इसमें कुछ पॉजिटिव था कुछ निगेटिव था। आपने सुना होगा कि शनिदेव वक्रवस्था में तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो अब यहाँ एक जो एक कंफ्यूजन रहा करता है, तो मैं कहना वैसे तो जो लोग हमेशा वीडियो देखते हैं तो ये चीज समझते हैं, पर कई बार जब नए दर्शक होते हैं तो नहीं समझ पाते। यहाँ पर देखिए, जो जैसे आपने अभी मंगल का प्रभाव सुना, तो मंगल जो प्रभाव दे रहा है वो आप सुनेंगे कि भाई मंगल ऐसा ऐसा प्रभाव दे रहा, कोई ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है तो उसके बारे में आप सुनेंगे कि कोई ग्रह भाई खराब दे रहा है, है ना, और कोई ग्रह बहुत अच्छा दे रहा है रिजल्ट उसका सुनेंगे। परंतु क्या होता है कि सभी नौ के नौ ग्रह कोई अच्छा दे रहा कोई बुरा दे रहा, इसलिए जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा चलता रहता है। परंतु यदि आपको पूरी तरह से समझना है कि हाँ एग्जैक्ट क्या होने वाला है और आप जो निर्णय ले रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए मेरे जीवन में, ये समस्याएं चल रही उससे कब छुटकारा मिलेगा या जो भी आपके प्रश्न हैं, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक गोचर और जन्म कुंडली दोनों का 50-50 आधा आधा प्रभाव होता है। जन्म कुंडली आपकी बिना गोचर के प्रभाव नहीं दे सकती है और गोचर बिना जन्म कुंडली, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको जन्म कुंडली को चेक करनी चाहिए, विश्लेषण करनी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। और इससे और भी बढ़िया है कि आप जो मासिक राशिफल हमारे चैनल में आता है मासिक राशिफल, तो उसे अवश्य देखिए, है ना। तो उससे क्या होता है, उसमें हम कि नौ के नौ ग्रहों की स्थितियों को समझते हैं एक साथ में। तो फिर ये जो कन्फ्यूजन हुआ करता है कि क्या होगा कैसे होगा कभी अच्छा तो कभी बुरा, तो ये चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। और उससे भी बढ़िया है पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब हम जैसे कुंभ राशि की बात करें या कोई भी राशि की बात करें, तो कुंभ राशि को हम यहाँ पर लेते हैं हम, क्योंकि कुंभ राशि की चर्चा कर रहे हैं अभी। तो कुंभ राशि के दर्शक क्या एक कोई दर्शक है? नहीं, दो है, नहीं लाखों है, नहीं करोड़ों लोग हैं, कई करोड़ लोग हैं। तो जब अलग अलग लोग हैं तो सभी के ऊपर कैसे एक जैसे प्रभाव हो सकता है, उसके लिए पर्सनल जन्म कुंडली प्लस गोचर दोनों को मिला के समझना आवश्यक होता है। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आइए समझते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे। इस समय श्रावण चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए और साथ में माता पार्वती की, यानी कि आप पूरे शिव परिवार की आराधना करिए, सबसे बढ़िया रहेगी। इस समय रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम जल तो चढ़ा ही सकते हैं भोलेनाथ को। और इस समय विशेष रूप से कोशिश करिए कि हर दिन मंदिर जाइए और भगवान के दर्शन करिए। और जो लोग ऐसी स्थिति में है कि बहुत दूर है मंदिर, या तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर मंदिर नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए अपने घर में ही यदि आपने मंदिर बनाया है तो वहीं पर ही आपने मंदिर रखा है, छोटा बड़ा जो भी हो, वहीं पर ही आप बैठिए भगवान की आराधना करिए। ये उन लोगों के लिए जिनके लिए संभव नहीं है, जिनके लिए संभव है कहीं आसपास, जैसे जो भारत में ही रहते हैं उनके लिए तो बड़े आसानी से हमारे भारत में हर जगह मंदिर मिल जाते हैं, तो आप अवश्य जाइए। और
साथ में वहां पर जब जाएं तो वहां कोशिश करिए कुछ सेवा करिए, जैसे सफाई करना है तो आप खुद कर दीजिए, है ना। कुछ अब समझिए जैसे इस समय भोलेनाथ के मंदिर में आप गए तो वहां पर लोग जल चढ़ाते हैं, तो जल रखा हुआ है किसी पात्र में, उसमें जल कम हो गया, आसपास कहीं नल होगा या कुछ व्यवस्था होगी वहां से लाके इसमें डालने की, आप ये कर दीजिए, यानी कि सेवा करिए। तो जितनी सेवा करेंगे, अब समझिए कोई बुजुर्ग हैं और फूल की या कोई वहाँ जो पूजन सामग्री है उसको लेने के लिए उनको थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि पानी होता है, बरसात का समय है, उनको तकलीफ हो सकती है, गिर सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए। यानी कि वहाँ जाना है मंदिर में और थोड़ा समय लेके जाना है, हेल्प करनी है, सेवा करनी है भगवान की, वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय जपिए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। तो सेवा और भगवान का स्मरण, आप अपना काम करते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहिए, सबसे सरल उपाय हुआ करता है। तो अवश्य भगवान का स्मरण करिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।